नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जनउपकार न्यूज। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं तो आप लोगों का योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कई हद तक भरोसा उठ जाएगा। एक ऐसा ग्राम प्रधान की गुंडाई का वीडियो जिसने एक व्यक्ति की जान लेने की पूरी कोशिश की, चलती हुई गाड़ी से उसे टक्कर मार दिया, उसके बाद में उसे इलाज के लिए भी नहीं ले जाया गया। जब एक तरफ सरकार हिट एंड रन कानून लाती है तो लोग धरना प्रदर्शन पर उतर जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, वहीं जब एक ग्राम प्रधान गुंडे पर उतारू होकर के अपनी स्कॉर्पियो से बाइक चालक को टक्कर मार देता है, पीड़ित गहरी खाई में जाके गिरता है, बेहोश हो जाता है, जब उसे होश आता है तो वह अपने परिजनों को फोन करता है, अपने घर वालों को फोन करता है, तो वहां पर आनन फानन में उनके घर वाले पहुंचकर उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला कहां का है। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम योगेश कुमार है। अच्छा, आप निवासी कहां के हैं? मैं गोपालपुर का रहने वाला। अच्छा, तो क्या हुआ था आपके साथ कल, कैसे क्या हुआ? कल एक्सीडेंट का ऐसे हुआ क्योंकि मैं कल वहां जो है कुछ पट्टे उन्होंने लाले स्थानों ने किए थे जी, वहां जो है उसी में मैं विरोध करने गया था मीडिया को लेकर के जी जी जी, तो उसी में मैं वापस आया तो उसके बाद में जो है जी यहाँ फिर रात में कल वही 8:30 या 9 बजे लगभग बीच की बात है, तो मैं पंचम खेरे आदेश कुमार का पैसा लेने गया था जी, वहाँ से मैं वापस आ रहा था तो अचानक जो है हमें स्कॉर्पियो की लाइट जो बड़ी दिखी जी, वो लाइट डाउन नहीं की लेकिन फिर मैंने गाड़ी सिलो की तो उसमें जो उन्होंने हमारे पास आकर में जो है गाड़ी हल्की मोड़ मतलब आपको ठोक दिया उन्होंने, उन्होंने हल्की टक्कर मार दी जी, तो मैं नीचे खंती में चला गया। कौन था भैया, क्या नाम है? ड्राइवर उसमें तो नहीं नजर आया लेकिन वो गाड़ी तो लालिस की थी और शायद वही चला रहे थे जी। ओके, ठीक। उन्नाव के युवाओं ने प्रशासन से मांगा अपना हक तो ग्राम प्रधान उतर आए गुंडई पे, और ये जो खबर हम तक पहुंचा रहे हैं ये हमारे सहयोगी हैं सूरज तिवारी। विकास खंड गंज मुरादाबाद तहसील बांगरमऊ के अंतर्गत ग्राम पंचायत भिक्खनपुर गोपालपुर के ग्राम प्रधान लालेश अस्थाना ने खेल मैदान की जमीन को अब संवैधानिक तरीके से लोगों को आवंटित कर दी, जिसके बाद आसपास के कई गांव के युवाओं ने जो वहां पे मैच भाला फेंकना तथा कुछ लोग इसी ग्राउंड से तैयारी करते हुए अच्छे अच्छे पद पर तैनात हो गए हैं। जब सभी युवाओं ने मिलकर ग्राम प्रधान लालेश अस्थाना का विरोध किया तथा खेल मैदान की जमीन को आवंटित की गई उसे वापिस मांगी तो ग्राम प्रधान लालेश अस्थाना अपनी दबंगई पे उतर आए और गोपालपुर निवासी योगेश कुमार को रात्रि 9 बजे पंचम खेड़ा से अपने दूध के पैसे लेकर वापस बाइक से आ रहा था, तभी उसने बताया कि अचानक आगे से सफेद स्कॉर्पियो जिसपे गौर अच्छा दल का स्टिकर लगा था जिसका नंबर UP 35 AP 5821 है, जिसको लालेश अस्थाना ही चला रहे थे, जिसकी लाइट तेज कर दी, मेरी आंखों पे लगी, मुझे जोरदार टक्कर मार दी जिससे मेरी बाइक समेत मैं खाई में जा गिरा, जिससे मुझे काफी चोट आई। जिसके बाद योगेश कुमार ने अब बताया कि अपने घर वालों को फोन के माध्यम से सूचित किया, जिसके बाद आनंद फानन में मुझे CSC बांगरमऊ ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मेरी हालत को गंभीर देखते हुए मुझे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इस पूरे घटना की एक लिखित शिकायत योगेश कुमार ने व उनके परिजनों ने थाना प्रभारी बेटा मुजावर को सौंप दी है। साथ ही साथ सभी युवाओं ने कहा कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम लोग DM ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कुछ युवाओं ने मिलकर तहसील समाधान दिवस में पहुंचकर लिखित पत्र देकर खेल मैदान की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई है। ऐसे एक नहीं, कई ऐसे ग्राम प्रधान हैं जिनकी गुंडई के वीडियो अब सामने आने लगे हैं। शायद अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का उनके कानून का भय लोगों के अंदर से मिटता जा रहा है। सोचिए किस तरीके से मानवता का हनन किया जा रहा है। जब लोग अपने अधिकार को मांगते हैं, किसी के विरोध में खड़े होते हैं, ग्राम प्रधान के विरोध में खड़े होते हैं, तो उसका बदला उन्हें एक्सीडेंट के माध्यम से चुकाना पड़ता है। आप लोग इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा क्योंकि जब तक आप लोग गलत के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक इस भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम नहीं लगाया जा सकता।